Never fold, never back down. This is you, this is me, this is Zoe. कितना कमा लेंगे? मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं लोगों को बना देता हूँ। मजे आके देख के मन कर रहा होगा ना यार। दिला दे। कुछ ऐसी ही चल रही है आजकल अपने इंडियन मर्चेंट नेवी में। चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी? चलो इतना सोचो मत, चार ऑप्शन दे दो, मनी, एडवेंचर, लाइफस्टाइल या ट्रैवल। आप बोलोगे यार यही तो चार चीजें हैं जिसके लिए मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। अब आप जाओ, नहीं नहीं अभी नहीं, इस वीडियो को पूरा देख लो, फिर उसके बाद जिस मर्चेंट नेवी इन्फ्लुएंसर को आप फॉलो करते हो या जिसके वीडियोस या रील्स देख के आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोलो और बस चार या पांच रील्स या पोस्ट देख लो, आपको यही चार चीजें मिलेंगी, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं दिखेगा। वार्निंग, मैं यहाँ पे किसी को भी ये इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा कि मर्चेंट नेवी इज अ बैड करियर चॉइस। जैसा कि मैंने कहा, कोई भी मर्चेंट नेवी इन्फ्लुएंसर आपको बस ये चार चीजों में वीडियो या रील बनाते हुए दिखेगा, मनी, लाइफस्टाइल, ट्रैवल एंड एडवेंचर। चलो आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। अब इस वीडियो की लाइक्स एंड शेयर्स देखिए, कितने ही लोगों ने सोचा होगा अरे यार ये सारे रिक्वायरमेंट्स तो मेरे भी पूरे हो रहे हैं, अब 10th हो ही गया है, 11th 12th करे क्या ही मिलेगा, मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लेते हैं, इस बंदे की तरह यूनिफॉर्म मिल जाएगी, लाइफस्टाइल अच्छी बन जाएगी और इंस्टाग्राम में फ्लैक्स वो तो अलग। मस्त प्लान है। बस यही सोच के ना जाने कितने लोग आजकल जीपी रेटिंग पोस्ट कर रहे हैं, नौकरी मिले या ना मिले, पैसे खर्च अलग, टाइम बर्बाद अलग, पेरेंट्स और रिलेटिव से गालियाँ अलग, और जो ये रील्स और वीडियोज बना रहे हैं उनको क्या, ब्रांड्स आ रही है, पैसे दे रही है और आप हो रहे हैं इन्फ्लुएंस। अब आप बोलोगे यार ठीक है लाइफस्टाइल को छोड़ो यार, घूमने को नहीं मिलता क्या, क्या बकवास वीडियो बना रहे हैं? जी हाँ, घूमने को मिलता है, ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लेकिन आपको यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि आपको बस तीन सिचुएशन में ट्रैवल करने को मौका मिलेगा। एक है जब आप साइन ऑन कर रहे हैं, दूसरा पोर्टफोलियो, तीसरा साइन ऑफ के दौरान। चलिए आपको दिखाता हूँ कि कितना आपको ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज मिलता है इन तीन सिचुएशंस में। फर्स्ट साइन ऑन, आप साइन ऑन कर रहे हैं, कंपनीज आपको फ्लाइट की टिकट्स तभी देती हैं जब उनको पता है कि 2-3 दिन में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उससे पहले आपको टिकट्स नहीं आएंगे, आपको होटल्स में एक एक हफ्ता दो दो हफ्ता नहीं रखेंगे, वो रेयरली कभी केसेस में ऐसा हो जाता। और अगर आपकी ज्वाइनिंग इंडिया से ही है, जो कि ज़्यादातर कंपनीज ट्राई करेगी, अगर आप इंडियन रेसिडेंट हैं तो भूल जाओ, एक दिन में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। चलिए मान लेते हैं आपकी ज्वाइनिंग है साउथ कोरिया से, आपको फिर भी 2 दिन से पहले या 3 दिन से पहले आपको फ्लाइट टिकट्स नहीं देंगे और यहाँ पे आपको चीपेस्ट फ्लाइट देने की कोशिश रहेगी, तो यहाँ पे कनेक्टिंग फ्लाइट्स की रैली लग जाएगी, तो आपका पूरा एक दिन एयरपोर्ट्स के चक्कर लगाने में चले जाएंगे। यही एयरपोर्ट्स की वीडियो और फोटोज आप देखते होंगे कई सारे इन्फ्लुएंसर्स के पोस्ट वगैरह में। फिर भी चलिए मान लेते हैं आपको एक दिन मिला घूमने को, तो आप क्या एक दिन घूमने को ट्रैवल अपॉर्चुनिटी में गिनेंगे, आप ही बताइए। दूसरा पोर्टफोलियो, चलिए मान लेते हैं आप बल्क कैरियर में, तो भी मैं मान सकता हूँ कि हाँ आपको पोर्टफोलियो मिल जाएगा और अच्छे खासे दिन पोर्ट में रहेंगे और घूमेंगे, लेकिन भाई क्या सबको बल्क कैरियर मिलता है? नहीं। टैंकर, भूल जाओ भाई भूल जाओ, एक एक दिन का ऑपरेशन रहता है बस, लोडिंग हो या डिस्चार्जिंग, एक दिन में आपका सारा ऑपरेशन खत्म, इतनी तेज हो गई है। कंटेनर शिप, पोर्ट ऑपरेशन बहुत तेज हो गई है, एजेंट आपके लिए पास का भी जुगाड़ कर देगा, लेकिन भाई आप घूमने जाओगे तो अपने रेस्ट पीरियड में ही जाओगे, ड्यूटी के टाइम पे आप ड्यूटी करनी ही पड़ेगी, तो आप रेस्ट करोगे या घूमने जाओगे, पोर्ट ऑपरेशन तो आपकी शॉर्टलिप के लिए रुकेगा नहीं। तीसरा साइन ऑफ, अगर आप मान लीजिए सिंगापुर से साइन ऑफ कर रहे हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि आप डायरेक्ट एयरपोर्ट चले जाएं और वहाँ से आपका डायरेक्ट फ्लाइट टू हो, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे मान लेते हैं आपको एक दिन मिल गया सिंगापुर में घूमने, आप अगर घूमेंगे तो साइन ऑफ में ही घूमेंगे अच्छा खासा, लेकिन वही है ना, कंपनीज तो एक्सपेंस ही देखेंगी अपनी, वो थोड़ी ना आपके लिए 2-3 दिन का सिंगापुर में वैकेशन करवाएगी। तो जो आपको ये इन्फ्लुएंसर्स ट्रैवल डायरीज या शॉर्टलिव डायरीज दिखा रहे हैं, देख लीजिए कितना आपको घूमने को मिल रहा है।
ये जो ग्लैमरस ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज दिखाते हैं आपको ये फेक मर्चेंट नेवी इन्फ्लुएंसर्स, दिस इज नॉट एट ऑल ग्लैमरस। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखिए ओनली ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज के लिए। अगर यू आर ज्वाइनिंग मर्चेंट नेवी देन माय फ्रेंड आई एम सॉरी, दिस इज जस्ट एन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस फेक मर्चेंट नेवी इन्फ्लुएंसर्स। अर्न वाइल ट्रैवलिंग, दिस इज द बिगेस्ट मिथ इन मर्चेंट नेवी। यस, दिस इज द बिगेस्ट मिथ। महीनों तक यू विल बी सेलिंग इन ओशन without seeing any other than your crew members. आप गूगल करोगे हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी तो आपको हजारों वेबसाइट्स मिल जाएगी, हजारों आर्टिकल्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको लाइफ एट सी जो रियल लाइफ है उसके बारे में कौन बताएगा? मर्चेंट नेवी में जो स्कैम्स हो रहे हैं उसको कौन बताएगा? या मर्चेंट नेवी के स्कैम्स से कैसे बचें आप, वो कौन बताएगा? या मर्चेंट नेवी के केस स्टडीज, वो कौन बताएगा? मैं बताऊँगी। चल, मैंने यही सब चीज ध्यान में रखते हुए एक ई बुक लिखा है, हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी इन इंडिया विदाउट गेटिंग फ्रॉड जी। और इसमें हमने क्या क्या कवर किया है, हमने इसमें हाउ फेक इंस्टीट्यूट्स एंड एजेंट्स स्कैम्स यू इन मर्चेंट नेवी और उन सारे स्कैम्स से आप कैसे बच सकते हैं, RPSLs, MLC, कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स और ऐसे ही, और केस स्टडीज, स्कैम्स के केस स्टडीज सारे हमने इस ई बुक में बात किया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं या आप न्यूली एस्पिरेंट हैं जो देख रहे हैं मर्चेंट नेवी को एज अ करियर चॉइस, यू कैन रीड दिस बुक। ये ई बुक आपको एक बर्गर के प्राइस से भी कम में मिल रहा है, और अगर आप N15 का कोड अप्लाई करेंगे तो उसमें भी आपको 15% का ऑफ मिल जाएगा। आप जो यूनिफॉर्म में देख रहे हैं बंदों को मर्चेंट नेवी में शिप में पार्टीज करते हुए, ब्रिज में यूनिफॉर्म के साथ फ्लैक्स करते हुए, दिस इज नॉट फुल्ली ट्रूथ। यस, दिस इज नॉट अ फुल ट्रूथ। मरीन इंजीनियर्स वो तो भाई बस जब मेस में, ऑफिसर मेस में खाना खाने आते हैं तभी वो यूनिफॉर्म लगाते हैं, उसके अलावा दे विल ऑलवेज बी इन बॉयलर सूट। टेक ऑफिसर जब वो ब्रिज में होते हैं या फिर ऑफिसर मेस में होते हैं तभी यूनिफॉर्म लगाते हैं, उसके अलावा ऑल सी फेयरर्स विल बी इन बॉयलर सूट ओनली। मर्चेंट नेवी इन्वॉल्व्स हजार्डस जॉब, टैंक क्लीनिंग, टैंक इंस्पेक्शंस, शिपिंग, पेंटिंग, लोडिंग, डिस्चार्जिंग, मेंटेनेंस, ये सब आपको कोई नहीं दिखाएगा क्योंकि इसमें व्यूज नहीं आएंगी, क्योंकि इसमें वो फ्लैक्स नहीं कर पाएंगे। 6-7 महीनों के लिए घर से दूर 27-28 लोगों के साथ, लिमिटेड इंटरनेट के साथ, हजार्डस जॉब्स, संडेस को काम, कहीं लोग आइसोलेशन, मेंटल स्ट्रेंथ और लोनलीनेस से गुजरते हैं। मैंने 2-3 महीने हल्दिया टू वाइजर वॉयज किया। बाई माई लाइफ वॉज लिटरली हेल्थ। एवरी वॉयज वी हैड टू डू टैंक क्लीनिंग, STS operations, एंकरेज मिल रहे थे वो भी फ्यू आवर्स के लिए या फिर कभी कभार एक दिन के लिए मिल जाता था। अदर देन दैट द लाइफ वॉज रियली, इट वॉज हेल। सो आपको मेंटली प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा अगर आप शिप में जा रहे हैं, और आप एक न्यूली एस्पिरेंट हैं तो आपको और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और समझना होगा कि दिस जॉब इज डिफिकल्ट। यस, दिस इज डिफिकल्ट बिकॉज हम बचपन से ही लैंड में रह रहे हैं और अचानक से हमको ओशन में जाना पड़ता है। वहाँ का काम, शिप का काम, इट्स वेरी डिफरेंट देन व्हाट वी डू और व्हाट पीपल डू इन लैंड। आई हाईली सजेस्ट अगर आपने एक बार 3 Idiots मूवी देख ली है तो फिर भी उसको जाके देख। अब कोई बंदा जो इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रहा है और उसको अचानक से एक बंदा दिखता है यूनिफॉर्म में, एम्पलेट्स के साथ, आईफोन पकड़े हुए, ऐसे यूनिफॉर्म में वीडियोज बना रहा है, अलग अलग दुनिया घूम रहा है, तो भाई उसको लगेगा ना यार ये तो ड्रीम जॉब है यार। अगर वो बंदा मिडिल क्लास से है तो उसको लगेगा यार मिडिल क्लास ट्रैप से निकलने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, बस ये कुछ कोर्स करने हैं मुझे और आई विल बी इन मर्चेंट नेवी, आई विल अर्न इन डॉलर्स। वो इस 6 महीने के कोर्स के जाल में फंस जाता है, जीपी रेटिंग कोर्स कर लेता है कोई भी एक इंस्टीट्यूट से, अगर कॉलेज अच्छी नहीं मिली जहाँ से कोर्स किया वो इंस्टीट्यूट फेक निकला तो भाई और क्या, बेलापुर का चक्कर लगाता है और 4-5 लाख और खर्च करता है। अभी कोई श्योरिटी नहीं है कि उसको शिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, यही सच है। आपको सुनने में जरूर ख़राब लग रहा होगा, अगर आप ऑलरेडी जीपी रेटिंग कर रहे हैं तो आपको और भी बुरा लग रहा होगा, लेकिन दिस इज़ द ट्रूथ नाउ इन इंडियन मर्चेंट नेवी। यहाँ जो कंटेंट क्रिएटर है उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यहाँ मैं ये नहीं बोल रहा कॉन्टेंट क्रिएटर्स को कि आप कॉन्टेंट ही मत बनाइए, लाइफ एट सी क्या है या फिर आप डॉलर में कमा रहे हैं या फिर घूम रहे हैं वो दिखाइए ही मत। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एक कंटेंट बना रहे हैं तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसमें शामिल कीजिए, जैसे कि ये वीडियो।
इसमें अगर आप एक रील में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं तो इंस्टाग्राम में डिस्क्रिप्शन का भी फीचर दे रखा है। उस पोस्ट के या उस रील के जो भी और इंफॉर्मेशन है वो आप डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आप और भी उसको ज़्यादा डिस्क्राइब कर सकते हैं ताकि जो व्यूअर है आपका वो इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए, पूरी जानकारी ले पाए। और वो डिसीजन जो है वो आपके रील से चाहे मोटिवेट होकर ले रहा हो लेकिन उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं तो उससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी हो रही है। इसी तरह जो व्यूअर्स है उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आप कोई रील या पोस्ट देख रहे हैं आप जहाँ आपको मर्चेंट नेवी की जॉब्स दिए जा रही हैं या फिर इंस्टीट्यूट को रिफ़र किया जा रहा है तो आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप गूगल में जाके उसका थोड़ा रिसर्च कीजिए, उसके बारे में जानिए। अगर आपके लोकेलिटी में देखिए कि क्या कोई सीफेरर है, अगर आपके लोकेलिटी में नहीं है तो ऑनलाइन आप देखिए, आपके रिलेटिव से पूछिए, कहीं ना कहीं से आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अगर फिर भी आपको नहीं मिल रहा तो आप मारायण सिंह के इंस्टाग्राम पेज में जाइए, आप सिंपली DM कीजिए, आपका जो भी क्वेश्चन है आप DM कीजिए, आई आंसर एवरी वन। अगर मुझे भी उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो आई आस्क माई चैनल मेम्बर्स या फिर आई पुट इट इन माई स्टोरी, लेकिन आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप सारा दोष इन क्रिएटर्स को नहीं डाल सकते। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा इस वीडियो बनाने का कोई भी इंटेंशन नहीं था किसी भी एक पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएटर को टारगेट करने का। अगर फिर भी आपको कुछ बुरा लगा तो आई एम पर्सनली सेइंग सॉरी टू मी। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को ही मिला होगा। अगर आप में से किसी को भी कुछ भी डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई टू एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।